अब तक हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा है कैसे तो करके मांजिन बू जो है वो टाइम चेम्बर से निकलने में कामयाब रहा और वो लुकआउट पर आ गया। आने के बाद उसने तुरंत ही वहाँ के लोगों को चोट पहुँचाना शुरू कर दिया। जैसे उसने अर्थ के लोगों को चॉकलेट में तब्दील किया, वैसे ही इन सारे लोगों को वो तब्दील करता है चॉकलेट में और खा लेता है। दूसरी तरफ हाइपरबॉलिक चेम्बर में फंसा हुआ गोटन बन चुका था सुपर सैयन 3, जो की अपनी आवाज की मदद से वो पोर्टल खोलने में कामयाब होता है, जहाँ टाइम के बीच में दरार होती है और पिकलो और गोटन वापस आ जाते हैं, जहाँ पर मांजिनमू ने हमला किया और इस लुकआउट को पूरी तरह तबाह करने लग गया, जहाँ पर पिकलो सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था, जहाँ गोटन्स जो है वो एक्चुअल में अपनी शक्तियाँ और अपनी नई टेक्निक की बदौलत वो उसे रोकने में कामयाब रहा और उसे एक गोले में तब्दील किया और उसे नीचे फेंक दिया। अब इनको लगने लगा कि इन्होंने मांजिनमू को हरा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहाँ बड़े से खड्डे में से बहुत बड़ा ब्लास्ट निकलता है और इन दोनों को अभी मारने वाला है मांजिनमू, तो क्या अब ये रोक आएंगे? इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है दोस्तों। आपने अभी तक अगर इसके पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। अब इस रेस के कारण गोटन्स जो है वो बहुत ही दूर फेंक दिया जाता है अर्थ के बाहर। जहाँ गोटन्स नीचे आ चुका है, तभी पिकलो कहता है कि राहत की सांस मत लो गोटन्स, क्योंकि पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। अब गोटन्स रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू ब्लास्ट किए जा रहा है मांजिनमू के ऊपर। जहाँ पिकलो कहता है कि आराम से गोटन्स, क्योंकि तुम इस अर्थ को ही तबाह कर दोगे। जहाँ गोटन्स कहता है कि तुम्हें इसे खत्म करना है या अर्थ को बचाना है। जहाँ पिकलो कहता है कि भाई ड्रैगन बॉल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं और एक भी अगर तबाह होता है तो हम फिर से ये सारी चीजें जिंदा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से गोटन्स रुक जाता है। गोटन्स कहता है कि इसके बाद भी वो अगर वापिस आता है इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद तो मुझे हैरानी होगी। जहाँ पिकलो कहता है कि रुको। तभी हम देखते हैं कि दूर जगह पर मांजिनमू निकल आया है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। जहाँ गोटन्स कहता है कि उसको तो कुछ भी नहीं हानि पहुंची, कुछ भी नहीं चोट लगी है, वो अच्छा ही दिख रहा है। तभी पिकलो कहता है कि उसे चोट लगी है, लेकिन वो बॉडी पर नहीं है, उसके अहंकार पर लगी है वो चोट, जो कि एक योद्धा की निशानी होती है। जहाँ पर तुम योद्धा के हिसाब से बहुत सही हो, क्योंकि उसने अब तक तुम्हारे जितने पावरफुल आदमी के साथ अब तक लड़ाई की ही नहीं थी। जहाँ पिकलो कहता है कि इस शैतान ने ऐसा सामना कभी नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि ये झेल नहीं पाएगा। ये सुनकर गोटन्स की नाक बड़ी हो चुकी है। गोटन्स कहता है क्या वो बेचारा हार चुका है? उसने क्या हार मान ली है? बट इसमें उसका क्या कसूर है? उसका मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े योद्धा के साथ हो रहा है। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, इसका खेल खत्म। क्या तुम्हारे पास 5 मिनट है भी गोटन्स? तुम्हारा फ्यूजन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और उसके बाद तुम इसका बाल भी बाकर नहीं कर पाओगे। ये गोटन्स हंसी रहा है, तभी मांजिनमू हंसते हुए सीधा ही हमला कर देता है, जहाँ वो अपना सिर दे मारता है गोटन्स को। गोटन्स नीचे गिरने वाला होता है, वो संभलता है, तभी वो देखता है कि मांजिनमू ने उसे पकड़ लिया है और सीधा ही वो नीचे लेके जा रहा है। अब वो जमीन के पास जाकर इतना जोर से फेंक देता है गोटन्स को कि पूरी जमीन ही टूटने लगती है। गोटन्स को बहुत ज्यादा चोट आ चुकी है, फिर भी गोटन्स उठकर आगे खड़ा है। जहाँ गोकू कहता है क्या लड़ता है वो, मानना पड़ेगा उसे। सुप्रीम गाय कहते हैं कि उसमें बहुत सहनशीलता है, आखिर कोई तो मिला जो उसके साथ मुकाबला कर पा रहा है। इधर गोहान कहता है कि ये ट्रेनिंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मैं आखिरकार क्या कर सकता हूँ, बस ओल्ड काय पर भरोसा ही तो कर सकता हूँ मैं। इधर ओल्ड काय कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं और हंस रहे हैं। मांजिनमू मारने आता है, गोटन्स डॉच कर दोनों हाथों से बजा देता है, जिससे मांजिनमू दूर जाकर फेंक दिया गया है सिटी के अंदर। गोटन्स मारने आता है, तभी मांजिनमू थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके डॉच कर लेता है। अब गोटन्स अपनी स्पीड कैसे तो करके संभाल लेता है। अब मांजिनमू अपना हाथ आगे कर गोटन्स को उठा ले आता है और उसकी गर्दन मरोड़ रहा है। गोटन्स चिल्लाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है। पिकलो देख रहा है, तभी गोटन्स काट लेता है उसके हाथ को, जिस वजह से मांजिनमू उसे छोड़ देता है। अब गोटन्स तेजी से मारने के लिए आता है, जैसे उसके पेट के पास पहुंचता है मांजिनमू पेट में होल कर देता है, जिस होल से आर पार जाता है गोटन्स और दीवार को भिड़ने वाला होता है। तभी वो खुद को कैसे तो करके रोक लेता है। पीछे से मांजिनमू आता है और उसी बिल्डिंग के अंदर उसे धो देता है। गोटन्स को गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने गलत किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर पिकलो उसे समझाता ही है कि अपने गुस्से पर काबू रखो, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। गोटन्स लात मारने वाला है और इधर मांजिनमू ने अपने मुंह से बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया है, जिसके चपेट में गोटन्स आ जाता है। अब गोटन्स को दर्द हो रहा है, जिस ब्लास्ट से वो बच तो गया है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोटें भी आई है। अब गोटन्स भी बिना रुके अपने मुंह से एक बड़ा
बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिसके चपेट में मांजिनबू आ जाता है। अब मांजिनबू नीचे गिरकर खुद को संभलता ही है, तभी गोटंस आता है और उसे एक लात मार देता है। अब दोनों में ही कंटिन्यू फाइट जारी है। जहाँ गोकू देखता है और कहता है ओ क्या लड़ रहा है, लगता है गोहान को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात गोहान सुनकर चौंक जाता है। अब मांजिनबू थक चुका है, उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। तभी गोटंस कहता है कि अब मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा और तुम्हारे जितने भी टुकड़े इधर उधर गिरेंगे उन्हें भी जला दूंगा। तुम्हें अफसोस तो होगा लेकिन तुम्हारा वक्त इस ग्रह पर खत्म हो चुका है। अब वो पावर चिल्लाता है और वो सुपर सैयन 3 से नॉर्मल गोटंस बन जाता है। जहाँ अभी गोटंस कहता है ओ बचाओ। अब पिगलो शॉक में है और गोटंस हंसे जा रहा है। इधर गोकू कहता है कि हाँ मुझे इसी बात का डर था, इतनी ज्यादा पावर को संभालना मुश्किल तो है। वो सुपर सैयन 3 से बदलकर पहले जैसा हो गया है। अब इतनी देर होने के बाद भी मांजिनबू थोड़ा सा ही हिल पा रहा है। अब मांजिनबू वापिस आता है और नॉर्मल होकर खुद को हील कर लेता है। इधर गोटंस जो है वो आगे बढ़ रहा है, पीछे से मांजिनबू हंस रहा है। अब मांजिनबू चिल्लाता है बच्चे। इधर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसे जा रहे हैं। तभी गोटंस कहता है कि अब मेरा आखिरी पैतरा बाकी है। इधर पिकलो कहता है कि फ्यूजन का वक्त खत्म हो चुका है गोटंस। इधर गोकू चिल्लाता है, गोहान को आवाज देता है कि जल्दी करो। जहाँ गोटंस का फ्यूजन जो है मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक टिक पाएगा। गोहान कहता है कि मुझे नहीं पता अभी कितनी ट्रेनिंग बाकी है। गोकू कहता है इसमें बहुत देर हो रही है। ओल्ड काय कहता है अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो, ट्रेनिंग तो कुछ देर पहले ही पूरी हो गई थी। सब लोग चौंक उठते हैं। गोहान उठता है और कहता है कि मेरी ट्रेनिंग कितनी देर पहले पूरी हो गई थी, यही कोई 5-10 मिनट हुए होंगे। गोहान अभी चिल्ला देता है लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं मर रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेले ही बैठा हूँ खाली। ध्यान को मत भटकाओ गोहान, अपने अंदर के गुस्से को संभालो और जब टाइम पड़े तब इस्तेमाल करना। अभी गोटंस डर रहा है जो पीछे पीछे जा रहा है और मांजिनबू आगे आगे बढ़ रहा है। गोटंस रुकता है और कहता है जब हालात सही नहीं हो तब सब सही हो जाता है, तो मैं रुकता हूँ देखते हैं क्या होता है। अब मांजिनबू उसे देखकर रुकता है। तभी गोहान चल देता है अपनी पुरानी ही मूव सुपर घोस्ट कामकाजी अटैक। वो अपने मुंह से कुछ घोस्ट बाहर निकालता है। अब ये सारे घोस्ट एकत्रित हो चुके हैं। तभी गोटंस कहता है कि जाओ हमला करो, लेकिन ये लोग करते ही नहीं है, आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। तभी गोटंस जो है वो चिल्लाता है कि जाओ हमला कर दो। अब ये सारे लोग निकलते हैं हमला करने के लिए। इधर मांजिनबू हंसता है और अपनी सांस अंदर लेता है और अपने मुंह से जोर की हवा बाहर निकलता है, जिससे होता ये है कि ये घोस्ट उड़ने लगते हैं, आपस में ही टकरा कर फट जाते हैं। जहाँ गोटंस धूल में से भागने की कोशिश करता है, तभी मांजिनबू को पता चलता है कि वो दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो वो ब्लास्ट कर देता है। इधर मांजिनबू हंसता है, गोटंस चिल्ला रहा है। तभी गोहान पूछता है ओल्ड काय से कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी शक्ति बढ़ चुकी है। ओल्ड काय कहता है कि बस तुम वो सुपर सैयन वाली चीजें करते रहना जो हमेशा करते हो और वो हो जाएगा, बस तुम उसे रोकना मत होने से पहले। गोहान समझ चुका है कि इसका मतलब उसे सिर्फ सुपर सैयन ही बनना है। ओल्ड काय कहता है कि जो भी करना कहीं और जाकर करना, लेकिन गोहान यहीं पर सुपर सैयन बन रहा है। अब गोहान इतना तेज चिल्लाता है कि ओल्ड काय भी उड़ जाते हैं और गोकू भी शॉक में है। अब हम देखते हैं कि इसकी शक्ति की वजह से पूरा प्लैनेट ही हिल रहा है। जहाँ गोकू कहता है देखा ना आपने सुप्रीम काय, मुझे लग रहा था ओल्ड काय कुछ करके दिखाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि थंडर ब्लास्ट हो रहे हैं गोहान के हाथों में भी। ये इतनी ज्यादा पावर लेवल है। अब गोहान खुद की शक्ति ही देखकर कह रहा है कि ये तो कमाल है। गोकू कहता है हाँ गोहान मैं तुम्हें देख रहा था, मुझे तुम पर नाज है गोहान, तुमने करके दिखाया परफेक्ट। गोहान ने अपनी सारी सीमाओं को पार कर दिया है। गोकू कहता है हाँ ये अभी भी नॉर्मल है। गोकू कहता है जरा देखो तो इसे, इसमें कोई चेंज भी नहीं आया है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर भी आ चुकी है बिना सुपर सैयन बने। ओल्ड काय उठते हैं और कहते हैं कि भाई देखो मैंने ये सब कुछ किया लेकिन मुझे उठाने के लिए कोई भी नहीं आया। सुप्रीम काय कहते हैं अभी हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि गोटंस उसको झेल नहीं पाएगा ज्यादातर टाइम, तो चलो जल्दी चलते हैं। हम नहीं, गोहान पृथ्वी पर का ये सफर अकेले तय करेगा। सुप्रीम काय कहता है ये तो ठीक है लेकिन मेरे जिम्मेदारियों का क्या, उस पूरे प्लेनेट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपके ऐसे जाने से उसे किसी तरह की मदद नहीं मिलने वाली मास्टर, आपकी मौजूदगी से खतरा बढ़ेगा और उसका ध्यान भी हटेगा। मैं उसे वापस ले जाऊंगा और फिर अच्छी खबर के साथ लौटूंगा। गोहान पूछता है कि प्लानिंग क्या है फिर। सुप्रीम काय कहते हैं कि जाने का वक्त आ गया लेकिन तुम्हें मेरे बगैर ही जाना होगा। किबिटो ने सही कहा। गोकू कहता है गुड लक गोहान, काश मैं तुम्हारे साथ चल पाता पर अब मैं यही कहूँ अपने डैड का सिर ऊंचा करना बेटा। जहाँ मुझे यकीन है तुम उसे हरा सकते हो।
अब मैं तुम्हें तभी देख पाऊंगा जब तुम इस दुनिया का सफर फिर से तय करोगे। क्या तुम तैयार हो गोहान? उसे दिखा दो कि सेयन क्या चीज है। गोहान इमोशनल होता है, गले मिलता है गोकू से और रेडी है जाने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा डैड, ऑल द बेस्ट कहकर दोनों ही गायब हो चुके हैं। इधर ओल्ड का कहता है कि बिना शुक्रिया बिना बाय कह के ही चले गया, ये आजकल के बच्चे भी ना। अब किबिटो और गोहान पहुंच चुका है अर्थ पर, जहां किबिटो कहता है कि गोहान आगे तुम अकेले रहोगे। गोहान कहता है कि सुनिए किबिटो, मुझे कपड़े बदलने हैं पर वो मेरे पास नहीं है। मेरे जो डैड है वो सबसे ज्यादा महान है और मैं चाहता हूँ कि मैं उन जैसे ही कपड़ों में लड़ू। किबिटो कहता है क्यों नहीं, तुम्हारे दिल में वाकई में बहुत इज्जत है। अब मुझे बताओ वो कपड़े थे कैसे, कपड़ों का रंग पूछता है किबिटो। तो गोहान कहता है जो अभी उन्होंने पहने थे वैसे ही। अब गोहान के कपड़े चेंज हो चुके हैं, जहाँ वो शुक्रिया कहता है किबिटो को और गोहान अब गोकू ही दिख रहा है। किबिटो कहता है कि हमें और इस दुनिया को निराश मत करना क्योंकि हमने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी रखी है। गोहान कहता है कभी नहीं। किबिटो चले जाता है और गोहान रेडी है लड़ने के लिए। अब इधर गोटन्स कंटिन्यू मार खाया जा रहा है, जहाँ मांजिनबू रुकने का नाम नहीं लेता। अब मांजिनबू इसको गोल गोल घुमाता है और फेंक देता है। जैसे ही ये दोनों उठते हैं तो हम देखते हैं कि भाई गोटन्स दोनों गोटन और ट्रंक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये दोनों देखकर शॉक में हैं, जहां अब ऐसा लग रहा है कि गोटन और ट्रंक्स की नई टेक्निक गलत टाइम पर छूट गई है। अब अलग हो चुके गोटन और ट्रंक्स मांजिनबू की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। अब इनकी आखिरी उम्मीद कोई है तो गोहान और उसकी नई शक्तियाँ। अपनी पावर का अच्छा इस्तेमाल करके उसे और बढ़ाकर वो अपने पृथ्वी पर फिर से लौट आया है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। तो क्या अब वो लड़ पाएगा मांजिनबू से, मांजिनबू को हरा पाएगा? जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल जी का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।